अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमैरा श्रास। आज की हमारी रेसिपी में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ भुनी हुई कलेजी। स्पाइसी और मसालेदार किस्म की भुनी हुई कलेजी जो कि झटपट बन जाती है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और पकाने में भी बहुत ही आसान है। लजीज किस्म की स्पाइसी कलेजी बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने डिफरेंट स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। तो चलिए जी, स्पाइसी कलेजी जो कि भुनी हुई और मज़ेदार भी है बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो कि इसकी लज़त में और जायके में इजाफा कर देंगे। तो चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। भुनी हुई कलेजी बनाने के लिए मैंने जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है उसमें कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको अच्छे से फिर कट भी कर लिया है। चिकन कलेजी मैंने इस्तेमाल की है, वैसे अगर आप चाहें तो दूसरी कलेजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कलेजी की रेसिपी अलग से मेरे चैनल पर मौजूद है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चिकन कलेजी मैंने ली है तकरीबन 400 ग्राम, लहसुन मैंने चॉप किया हुआ लिया है तकरीबन 30 ग्राम और अदरक लिया है मैंने 20 ग्राम। ड्राई धनिया पुदीना मेरे पास, जो कि हर एक रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ड्राई किया हुआ सेव किया हुआ पड़ा होता है, ये मैंने लिया है 40 ग्राम। रेड और ग्रीन चिलीज़ मिक्स करके मैंने बारीक चॉप की हुई हैं 40 ग्राम्स। ड्राई स्पाइसेस देख लेते हैं, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, राई 1 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च मैंने ली है 3 अदद और नमक हसबे जायका। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से गर्म किया है और उसके बाद ये जो मैंने बारीक चॉप किए हुए धनिया और लहसुन अदरक हैं इसको मैंने इसमें डाल के जस्ट 1 से 2 सेकंड तक इसको सौते किया है। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, जस्ट इनकी रो स्मेल ख़त्म करनी है 1 से 2 सेकंड्स तक। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली हैं वो इसमें ऐड कर दें और इसको भी ज़्यादा देर कुक नहीं करना, जस्ट 2 से 3 सेकंड्स कुक करके इसमें मैंने जो कि चिकन कलेजी है अच्छे तरीके से वॉश की हुई है और कट की हुई है इसको डाल देंगे। झटपट भुनी हुई कलेजी की रेसिपी है, बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की बनती है, इसीलिए आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी और ट्राई करने के बाद फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहें और कलेजी को अच्छे तरीके से भून लें। वैसे चिकन कलेजी में पानी की डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसीलिए इस रेसिपी का नाम है भुनी हुई कलेजी, क्योंकि ये भूनने से ही जल्दी पक जाती है और इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको भूना है और ड्राई स्पाइसेस जो कि मैंने आपको पहले ही डिटेल से बता दिए हैं वो सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करें। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है, अफ्तारी में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सहरी में भी आप खा सकते हैं, नो इशू। ये हमारे तकरीबन ड्राई स्पाइसेस के साथ ये मिक्स हो चुकी है, अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है ये कलेजी और इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और ये हमारी कलेजी झटपट किस्म की रेसिपी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। 3 से 4 मिनट तक इसको फिर से कुक करेंगे ताकि स्पाइसेस के साथ कलेजी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी भुनी हुई कलेजी रेडी हो जाए। अगर आपको दूसरी कलेजी की रेसिपी चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वो भी मैंने डिटेल से कलेजी बनाना सिखाई है, लेकिन ये भुनी हुई कलेजी है इसलिए इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट स्पाइसी है इसीलिए इसमें ड्राई स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं और लहसुन अदरक इस्तेमाल किया है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी चूल्हा बंद कर दें, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है, गल भी चुकी है और स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। चूल्हा बंद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं सर्विंग के लिए। एक प्लेट मैंने ले ली है और ये कलेजी जो कि हमने अच्छे तरीके से भुनी हुई कलेजी कुक की है इसको रख देंगे और ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए 2 से 3 मिनट तक रख देंगे। आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
ये मैंने प्लेट में निकाल ली है और इसको 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दें। और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है, स्पाइसेस के साथ ये मिक्स होके और ही ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार लग रही हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इस कलेजी का कलर आया है। अब इसको गार्निश कर लें और नान या चपाती के साथ आप इसको सर्व करें और इंजॉय करें। साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर आप ट्राई करते हैं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने ट्राई करने के बाद क्या किस तरीके से बनाई। सेम अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। गार्निश कर लिया है मैंने टमाटर और ग्रीन चिलीज़ के साथ, आप चाहें तो धनिया पुदीना भी गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह हमारी भुनी हुई कलेजी तकरीबन मज़ेदार किस्म की स्पाइसी कलेजी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल होती रहे। इसके साथ साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आपने और मुझे बताना है कि आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर आप लोग किसी और तरीके से भुनी हुई कलेजी बनाते हैं तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई न्यू रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को न्यू रेसिपी भी सिखाऊंगी। तो चलिए जी अपनी इस रेसिपी का अख्तिताम करते हैं। कल फिर मैं हाज़िर होंगी अपने चैनल पर एक न्यू रेसिपी के साथ, मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपी। और अगर आपको कोई रेसिपी सीखनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वही आपको सिखाऊंगी। चलिए जी अब इजाज़त लेते हैं, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।